ज्योतिष शास्त्र की ही एक और शाखा है जिसे अंक शास्त्र कहा जाता है, जिसमें बिना जन्म कुंडली के भी भूत भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से महज आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा हो, तो आपका जीवन कैसा होगा, किससे आपकी मित्रता होगी, किस व्यक्ति से आपकी मित्रता शत्रुता होगी, और साथ ही आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं अंक शास्त्र के जरिए। तो चलिए जानते हैं कि आज का दिन आपके लिए कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। पहले मूलांक जो संख्या है वो है एक, तो मूलांक संख्या एक वाले जातक आज आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे। कार्य क्षेत्र में अपने काम में प्रतिद्वंदियों पर जीत हासिल होगी, यानी जो आपसे द्वंद्व में लगे हुए हैं मित्रों का, वहीं साथ ही साथ पूरा सहयोग मिलता दिख रहा है। और आज बच्चों का मन पढ़ाई में लगेगा, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं। पारिवारिक जिम्मेदारियों को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें, जीवन साथी के साथ तो रिश्ते मजबूत बनाने के लिए थोड़ा समय निकालने की कोशिश करनी होगी। उपाय कर सकते हैं तुलसी के पौधे को जल अर्पित करके। मूलांक दो के जातक आज आपको व्यापार में किसी रिश्तेदार की मदद से फायदा होगा। समस्या का हल ढूंढने के लिए दोस्त की मदद लेनी होगी। किसी बड़े खर्चे के कारण आर्थिक तंगी महसूस हो सकती है और कोई बड़ा निवेश करने से पहले पिता समान किसी से सलाह जरूर ले सकते हैं। उपाय करें शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं। मूलांक तीन के जो जातक हैं, दोस्तों के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। मौसम भी बड़ा सुहाना है, बिल्कुल आज के दिन खर्चों पर लेकिन थोड़ा कंट्रोल रखना होगा। नगद धन की स्थिति जो है थोड़ी कमजोर दिख रही है, इसलिए विद्यार्थियों का मन जो है आज पढ़ाई की जगह मौज मस्ती में ज्यादा लग रहा है। आज आप किसी भी प्रकार की परिस्थिति को अपनी सूझबूझ से सुलझाने की पूरी कोशिश करेंगे। उपाय कर सकते हैं घर के बड़ों का आशीर्वाद लेकर ही कहीं निकलें। मूलांक चार के जातक आप व्यापार में अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रहेंगे। अपनी नई सोच और तार्किक शक्ति यानी सोचने की शक्ति, जो तर्क शक्ति है, उसको जटिल स्थिति को भी हल कर सकेंगे आप, और आपके साथ काम करने वाले आपसे प्रभावित होंगे यानी इम्प्रेस हो जाएंगे। उपाय करें सरस्वती माँ की आराधना करें। मूलांक पांच के जातक बुध देव आपके इन जातकों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और आज आपके नए दोस्त बनेंगे। इनकी कृपा से आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा। किसी पुराने दोस्त से भी बात हो सकती है जिससे आपका मन प्रसन्न होगा और युगल प्रेमियों के बीच संबंध मजबूत होंगे। जीवन साथी से कोई उपहार मिल सकता है। व्यापारी वर्ग भी आज फायदे में रहेगा और किसी नए प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। उपाय करें छोटी कन्याओं को भोजन करवाएं और उनका आशीर्वाद लें, शुभ ही शुभ है। मूलांक छह के जातक आज ऑफिस में आपको सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिसके कारण आपके सभी काम समय से पूरे हो जाएंगे और घर में भी छोटे बहन भाइयों का सहयोग मिलता दिख रहा। आप भी अपने मीठे स्वभाव से सबका दिल जीतने में कामयाब रहेंगे। उपाय भी करें गाय को हरा चारा खिलाएं। मूलांक सात के जातकों के लिए काम से आपके अधिकारी खुश नजर आ रहे हैं, पदोन्नति भी मिल सकती है। व्यापार में किसी नए प्रोजेक्ट को लेकर बातचीत हो सकती है और जीवन साथी के साथ अपने मन की बात साझा करें जिससे आपके रिश्तों में मजबूती आएगी। उपाय कर सकते हैं केसर का तिलक लगाएं। मूलांक आठ के जातक आज इन जातकों के लिए शनि देव के प्रतिनिधित्व में व्यापारी वर्ग कोई भी निर्णय सोच समझ कर लें, अन्यथा दस्तावेजों के इस्तेमाल में भी सावधानी बरतें। आज कुछ अनावश्यक खर्चे आपके बजट को हिला सकते हैं। परिवार के साथ खरीदारी पर जाने का कार्यक्रम बन जाएगा, जो कि एक और समस्या हो सकती है, इसलिए उपाय करें शनि चालीसा का पाठ करें। मूलांक नौ की बात की जाए, आज आप लोगों को अपनी योजनाओं पर परिवार के सदस्यों की सहमति मिलेगी। कार्य क्षेत्र में किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मिलने का मौका मिलेगा। परिवार में पैतृक संपत्ति को लेकर चल रहे विवाद को भी सुलझाने की संभावना बन रही है। उपाय भी करें माँ दुर्गा की प्रतिमा पर लाल रंग की चुनरी चढ़ाएं।